नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपको किसी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो और फिर अगर वहाँ से धोखा मिल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। और एक चीज़ और भी बोली जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी देश से किसी की कोई ना परमानेंट दोस्ती होती है, ना ही किसी से परमानेंट दुश्मनी होती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारत और रशिया के बीच में हो गया है। वैसे तो रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अभी उसने ऐसा काम कर दिया है जो एक दुश्मन भी नहीं करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की कंपनी एक है गेल इंडिया। गेल इंडिया नवरत्न कंपनियों में से एक है और इंडिया की सबसे बड़ी PSU में से एक कंपनी है गेल इंडिया। गेल इंडिया कंपनी ने सन 2012 में रसिया की एक कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कंपनी का नाम है गैजप्रॉम। गैजप्रॉम कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि आप हमको हर साल 2.5 मिलियन टन आप LNG गैस की सप्लाई करेंगे, और ये जो सप्लाई करनी थी ये 20 सालों तक करनी थी। ये 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और जो इनके प्राइस हैं वो इंडिया पे करता रहेगा, ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ। और साथ ही साथ उस एग्रीमेंट में ये भी बात लिखी गई कि अगर आप सप्लाई हमें नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया की इस कंपनी ने भारत के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे तक बिजनेस चल भी रहा था, लेकिन 2022 आते आते इस कंपनी ने भारत को LNG की सप्लाई करनी बंद कर दी। और वो जब सप्लाई बंद कर दी तो भारत को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब आइए आपको न्यूज पूरी बताते हैं, खबर पूरी है क्या, उसने सप्लाई को क्यों बंद कर दिया और भारत को उससे नुकसान कैसे हुआ, कि भारत के साथ उस कंपनी ने धोखा कैसे दिया। तो पहले तो ये बताते हैं कि उस कंपनी ने सप्लाई को बंद क्यों किया। दरअसल ये एक रशियन कंपनी है, इसने 2022 में सप्लाई इसलिए बंद करी क्योंकि 2022 में जब रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, वॉर स्टार्ट हुई, तो उसके बाद से इसकी ये जो कंपनी है इसकी एक यूनिट जर्मनी में थी जो कि यूरोपियन देश है, उसने सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे इस कंपनी के ऊपर। ये कंपनी वहाँ पर दिवालिया हो गई, बिल्कुल मतलब एक तरह से बंद हो गई, इसको टेक ओवर कर लिया जर्मनी की सरकार ने, तो इसको पूरी तरह से जब्त कर लिया, इसके सामान वगैरह भेज दिए। तो ये कंपनी वहाँ से जो LNG गैस इंडिया को सप्लाई करती थी वो करने में समर्थ नहीं रही और वो दे नहीं पा रही थी, तो ये तो कारण रहा इसको गैस सप्लाई ना करने का। लेकिन भारत ने इससे कहा ठीक है, आप उस कंपनी से सप्लाई नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरी कंपनी से सप्लाई कर दो, आप अपने यहाँ से सप्लाई कर दो, कोई दूसरा अल्टरनेटिव निकाल दो। लेकिन इसके लिए रशियन कंपनी तैयार नहीं हुई। जब रशिया इसके लिए रेडी नहीं हुआ तो अब भारत के साथ नुकसान हो गया कि जो हमें गैस चाहिए वो हमें मिल नहीं पाई। और दोस्तों, एक चीज़ और होती है, LNG गैस ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरी कंट्री के पास गए और आपने बोला कि ठीक हम ये पैसे आपको देते हैं और आप हमें गैस दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। LNG गैस लेने के लिए साल दो साल पहले ऑर्डर देना पड़ता है, फिर कोई दूसरे कंट्री आपको गैस की सप्लाई दे करता है, तो ये तो प्रोसेस है। अब ये समझ लीजिए कि भारत को गैस मिल नहीं रही, भारत को गैस की ज़रूरत है, तो भारत ने गैस की खरीद के लिए गल्फ कंट्रीज़ की ओर अपना रुख किया और उनसे बात करी कि हमें गैस चाहिए। अब उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको गैस दे देंगे, आपको अभी चाहिए हम दे देंगे, लेकिन इसमें जो 1.5-2 साल का समय लगता था वो आपका बच जाएगा, इसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब कि जो गैस आपको 1 रुपये की अगर मान लो मिलती है तो 3 रुपये की देंगे, मतलब इतनी महंगी। सोचिए, वो गैस भारत को करीब $13 से $14 में पड़ती थी, अब वही गैस भारत को करीब $40 में पड़ रही है, सेम क्वांटिटी, इतना बड़ा नुकसान, मतलब 3 गुना। तो भारत को तो यहाँ से गैस चाहिए, अब भारत को इससे होने लगा नुकसान, जो चीज़ 1 रुपये की मिलनी चाहिए वो 3 रुपये की हो गई, मतलब इतना फर्क आ गया रेट में। तो भारत ने इसके लिए उस कंपनी से बोला कि भाई आप हमें सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप हमें भी पैसे दो, हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस कंपनी ने कम्प्लीटली पैसा देने के लिए मना कर दिया।
ये इस कंपनी ने गैस की सप्लाई भी मना कर दी और इसने मना कर दिया कि हम पैसे भी नहीं देंगे, दो चीज़ें हो गई। अब भारत की कंपनी ये करती क्या, तो गेल इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं। तो ये लंदन गए, वहाँ पे इन्होंने एक केस डाल दिया इस कंपनी के ऊपर, केस डाल दिया और वहाँ पे अपनी सारी बातें रखी कि भाई ऐसी ऐसी बातें, हमारा एक एग्रीमेंट था 2012 का एग्रीमेंट था, 20 सालों का एग्रीमेंट था, इस कंपनी ने ऐसे हमारा सामान जो हमें चाहिए था इनसे वो इन्होंने देना बंद कर दिया। तो इसका इन्होंने वहाँ पे आर्बिट्रेशन में चले गए। अब ये है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो भारत के फेवर में ही आएगा, और उसके लिए भारत ने बोला कि इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई है, और पेनाल्टी जो बोली है वो बोला है $1.8 बिलियन। अगर उसको भारतीय रुपए में बोलें तो करीब 14,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 14,000 करोड़ रुपए हमको पेनाल्टी दिलवा दी है इस कंपनी से। अब सोचिए, वो कंपनी अभी देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उस कंपनी को ये 14,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। रीजन, क्योंकि उसने एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि हम आपको पेनाल्टी देंगे अगर सप्लाई नहीं दे पाते हैं। अब उस कंपनी का कहना ये है कि भाई जिस कंपनी से हम सप्लाई करते हैं तो वो कंपनी बंद हो गई, तो कैसे सप्लाई करें। भारत का सिंपल सा कहना है, हमने एग्रीमेंट आपसे किया है, आप कैसे भी सप्लाई करो, जो कंपनी है उससे सप्लाई करो, कहीं दूसरी जगह से सप्लाई करो, लेकिन नहीं आ रही। तो भारत का पक्ष बहुत ही मजबूत है, ये उनको पेनाल्टी देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें भारत के फेवर में ही जाने वाली हैं। अब सोचिए, जब इंटरनेशनल कोर्ट में ये कंपनी अगर देने के लिए रेडी नहीं होगी तो होगा क्या। तो इंटरनेशनल कोर्ट में एक जब ऑर्डर आएगा तो इस कंपनी की जो भी किसी दूसरी देशों में इनके एसेट्स हैं वो सारे जब्त कर दिए जाएंगे, उन एसेट्स को बेचा जाएगा, उससे जो भी पैसा मिलेगा वो भारत की कंपनी को पैसे पेमेंट कर दिए जाएंगे। यही प्रोसेस होता है इंटरनेशनल कोर्ट का, जब रूल आता है किसी से पैसे वसूलने का, यही तरीका होता है। तो ये चीज़ें होंगी। अब इससे भारत ने सबक क्या लिया कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए भारत ने फिर सबक लेना भी स्टार्ट किया। भारत ने अभी हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ एक जगह से थी, हम एक ही जगह से गैस खरीद रहे थे, तो भारत को लगा कि ऐसे एक कंपनी अगर नुकसान कर देती है, हमारा सप्लाई बंद कर देती है तो हमें भारी नुकसान होता है। तो भारत ने एग्रीमेंट करने स्टार्ट करे अलग अलग देशों से कि अब हम अलग अलग देशों से एग्रीमेंट करेंगे और उनसे गैस खरीदेंगे। तो अभी जनवरी में भारत ने यूएई के एक कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया कि अब हम इनसे गैस खरीदेंगे। साथ ही अभी फरवरी की बात है, फरवरी में भारत में कतर के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसकी सप्लाई भारत को होने लगेगी, और उसमें तो भारत को ये समझ लीजिए करीब $6 बिलियन का फ़ायदा होगा, कॉस्ट सेविंग होगी कतर के साथ। इसके साथ ही एक एग्रीमेंट भारत ने नीदरलैंड के साथ किया है। तो भारत अब अपनी जो ज़रूरत है किसी एक पे उसके लिए डिपेंड रहने वाला नहीं है, उसके लिए अलग अलग लोगों से बात कर रहा है, अब वो इनसे अलग अलग लोगों से परचेस कर लेगा। अब दोस्तों बात ये है कि भारत के और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से भारत को अब सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वहाँ पे एक दूसरे के प्रति रिलेशन को पॉजिटिविटी के साथ लेना पड़ता है। अगर कोई ले रहा है तब तो ठीक है, तब तो चलेगा, लेकिन जहाँ सिर्फ एक साइड की चीज़ देखी जा रही दूसरे साइड की नहीं, वहाँ बात नहीं बनती। अब रूस को भी चाहिए था कि भारत को कैसे भी करके गैस की सप्लाई कर देता। अब ये कंपनी आपको बता दें कि कह रही कि ठीक है हम आपको गैस की सप्लाई कर देंगे, पहले मना कर रही थी लेकिन अब ये रेडी हो गई है, कह रही गैस की सप्लाई कर देंगे लेकिन हम पेनाल्टी नहीं देंगे। लेकिन भारत की कंपनी कह रही है कि हम सप्लाई से हमें बात नहीं बनती, हमें पेनाल्टी ही चाहिए। रीजन, अब आप हमको गैस दे दोगे, ठीक है मेरे पास गैस आ जाएगी, लेकिन जो $14 में चीज़ मिलनी थी वो हमने $40 की खरीद ली है, ये जो इतना महंगा इतना जो मैंने कॉस्ट पड़ी ये कौन देगा, ये तो आपको देना पड़ेगा ना। इसलिए भारत इनसे कह रहा है कि आप हमको पेनाल्टी दे दीजिए, और वो भारत केस जीत लेगा, भारत को पेनाल्टी मिल जाएगी। और रूस को भी इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत को इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि ये एक डील है। भारत और रूस के बीच रिश्ते अगर अच्छे रहेंगे तो भारत और रूस एक दूसरे से बिजनेस करके और भी कमा लेंगे, तो इनको इसका ध्यान देना चाहिए।
वैसे भी रूस का दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, चाइना है और एक दो छोटे मोटे देश हैं, पाकिस्तान को आप गिन लो, तो इस तरह ही उसके सिलेक्टेड दोस्त हैं, ईरान मान लो, ज़्यादा उसके दोस्त हैं नहीं। तो भारत एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा मार्केट है, एक बड़ा कंट्री है, इसके साथ रूस को रिश्ते नहीं ख़राब करने चाहिए, उसको एक बार फिर से सोचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जिसका जहां हित होता है वो उधर ही सोचता है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। दोस्तों अब इसमें क्या डेवलपमेंट नेक्स्ट आती है, अब ये तो देखने की बात हुई है। जब भी इसमें कोई नई डेवलपमेंट आएगी मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।